निफ्टी में 21 दिसंबर 2020 के बाद की सबसे बड़ी इंट्राडे तेज गिरावट आपको देखने को मिलेगी, यानी कि समझिए जनवरी फरवरी दो महीने में सबसे ज़्यादा हम लुढ़के हैं इस वक्त। फाइनेंशियल शेयर सबसे ज़्यादा पीटे हैं, ICICI बैंक 5%, एक्सिस, कोटक, बजाज, फिनसर्व ये तेज से गिरते हुए दिखे हैं, और वजह वही बढ़ते हुए बॉन्ड यील्ड की वजह से इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ने का डर। महाराष्ट्र में कोरोना की चलते शक्ति की तैयारी का भी असर दिख रहा है, और सीरिया पर अमेरिका की स्ट्राइक का भी, मतलब सारी चीज़ें एक साथ आगे जो आनी थी ताकि एक ही दिन जो काम होना है हो जाए, और उसके ऊपर करेंसी भी बची कुची ये भी गिर गई, 1% रुपया नीचे है, और डाउ फ्यूचर जरूर निचले स्तरों से सुधर कर 150 पॉइंट निचले स्तरों से सुधरा है, तो उसके बावजूद फ्लैट है, तो आप समझ सकते हैं कि 150 पॉइंट से ज़्यादा नुकसान डाउ में था, और यूरोप के बाजार 1% नीचे, जो कि ज़्यादा नहीं है बस। बिल्कुल सर, लेकिन आप ये बॉन्ड यील्ड इन्फ्लेशन की जो बातें चल रही है और इस पर आपसे एक्सप्लेनेशन व्यूअर्स भी समझना चाहते हैं। राजेश घोष जी का एक सवाल आया है, बॉन्ड यील्ड को कैसे समझे और इसका असर किस तरह से महंगाई पर पड़ रहा है, ये आपसे ट्विटर पर पूछ रहे हैं। हाँ, एक्चुअली सी बॉन्ड यील्ड क्या है वो समझना चाहते हैं, सिंपल है, आप किसी से उधार लेते हैं तो जो ब्याज आप उसको देते हैं वो एक तरह से बॉन्ड यील्ड है। Okay. यानी कि कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी गवर्नमेंट अगर उधार लेती है किसी से, या कोई कंपनी अपने डिबेंचर्स जारी करती है, लोन लेती है, तो वो जिस रेट पर, जिस ब्याज दर पर वो ले रही है वो बॉन्ड यील्ड माना जाता है, सिंपल। फर्ज करें कि जैसे NTPC है, NTPC ने कहा कि हम 5,000 करोड़ रुपए कर्ज के जरिए जुटाएंगे और ये 8% की ब्याज दर पर होगा, ये 8% बॉन्ड यील्ड हो गया। तो अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड बढ़ने का मतलब है कि जो अमेरिका के ट्रेजरी बिल्स, अमेरिका की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो ट्रेड होती हैं, हमारे यहाँ जैसे 6.5% के आसपास बॉन्ड यील्ड, 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बॉन्ड यील्ड चल रहे हैं, तो बेसिकली जो वो ब्याज दरें हैं उन्हें बॉन्ड यील्ड माना जाता है। अच्छा, और इन्फ्लेशन पर इसका, तो हाँ, तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है बॉन्ड यील्ड के बढ़ने की संभावनाएं होती है, इसकी वजह यह कि महंगाई बढ़ने पर ब्याज दरें बढ़ती है, तो महंगाई के साथ ये कनेक्शन है, महंगाई बढ़ेगी तो ब्याज दरें बढ़ेंगी, जाहिर सी ब्याज दरें बढ़ेंगी तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उधार लेकर उनके ब्याज की कॉस्ट बढ़ेगी, उनके ब्याज की कॉस्ट बढ़ेगी तो उनका मुनाफा कम होगा, करेक्ट। लेकिन ब्याज की दरें बढ़ती कब है, जब पैसे की डिमांड हो, पैसे की डिमांड कब आती है, जब लोगों को लगता है कि आगे का आउटलुक अच्छा हो, हाँ। तो हम ज्यादा बिजनेस करें, ज्यादा खरीदें, ज्यादा काम करें, हाँ। तो पैसे की डिमांड आती है, पैसे की डिमांड आती है और लोग ज्यादा खरीदते हैं, ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा पैसा लगाते हैं, तो इन्फ्लेशन बढ़ता है जी। तो अब ये तो अच्छा है, ज्यादा काम हो, ज्यादा बिजनेस हो, तो ये इकोनॉमिक्स का यही सबसे खूबसूरती है, दोनों तरफ है बराबर, मतलब हर चीज की अच्छी तो खराब भी है ना, तो इसको इस तरह से समझो। तो और मार्केट का क्या है, मार्केट अपने मूड पे, हाँ। जिस दिन अच्छी तरफ देखना होगा अच्छी तरफ देखेंगे, जिस दिन खराब देखना होगा खराब देखेंगे। अब इसमें अच्छा भी है कि डिमांड बढ़ रही है, लोगों को पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए, लोग खरीद रहे हैं तो चीजों के दाम बढ़े। अब भाई लोग खरीद रहे हैं, चीजों के दाम बढ़े, वो अच्छा है कि कुछ ना खरीदें दाम पड़े रहे जी। तो दोनों तरफ के अपने अपने फायदे नुकसान है, इसलिए कुल मिलाकर बाजारों का रिएक्शन अलग, जो कुछ इकोनॉमी में हो रहा है। लॉन्ग टर्म में अगर आपका पेशेंट ठीक हो गया, चुस्त दुरुस्त हो गया, ICU से बाहर निकल गया, वार्ड में आ गया, उसके बाद में अब वो दौड़ने लगा और दवा की जरूरत बंद हो गई, तो अच्छी बात है। हाँ। तो ओवरऑल अगर इकोनॉमी में सुधार के संकेत हैं, नौकरियां जो बेरोजगार हैं वो कम हुए हैं, महंगाई इसलिए बढ़ रही कि ग्रोथ आ रही है, तो ओवरऑल अच्छी बात है। लेकिन मार्केट का अपना अपना मूड कभी होता है, इतना ज्यादा सोचने का नहीं है। बस ये ठीक है कि 2-3 दिनों से हमारे यहाँ FIs भी बेच रहे हैं, एक मौका चाहिए था करेक्शन का, आ गया, थोड़ा ज्यादा आ गया, थोड़ा थोड़ा गिरते, पिछले हफ्ते थोड़ा थोड़ा रोज गिरे तो हमें कभी तकलीफ नहीं हुई इतनी, हाँ। आज एकदम से गिर गए तो तकलीफ हुई। कहाँ गए वो दीप जो बोल रहे थे कि पैनिक वाला दिखा नहीं ले जी, जिस दिन पैनिक दिख रहा था उस दिन तो गायब हो गए सीट से।